जिस तरह से एयरक्राफ्ट्स की हवा में रिफ्यूलिंग की जाती है, उसी तरीके से शिप्स को भी रिफ्यूल और रिस्टोर किया जा सकता है, और वो भी समुद्र के बिल्कुल बीच में। इसके लिए कुछ इस तरह की मेथड्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले एक सेलर एक शिप से दूसरी शिप पर गन फायर करता है, जिसमें एक रस्सी बंधी होती है। इस रस्सी के सपोर्ट से एल्यूमिनियम के वायर को ट्रांसफर किया जाता है। इस वायर के सहारे रिफ्यूलिंग पाइप को ले जाया जाता है। इसी वायर से शिप रिस्टोक भी करते हैं। ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस में क्रू मेंबर्स के लिए खाने से लेकर के शिप्स के पार्ट्स सब कुछ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जब तक ये ट्रांसफर होता है, तब तक दोनों ही शिप्स को एक ही स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन करना होता है। यही नहीं, कई बार एक टाइम में दो शिप्स को भी रिस्टोक किया जा सकता है। ऐसा करने से टाइम बच जाता है।